दोस्तों साल 2015 में एक अफ्रीकी मार्शल ईगल का मुकाबला एक विशालकाय लीजर से होता है। ईगल की तुलना में लीजर का शरीर न सिर्फ 10 गुना बड़ा है बल्कि उसकी जहरीली जीभ एक बार में ही ईगल का काम तमाम कर सकती है। लेकिन ईगल उन शिकारी पक्षियों में से नहीं है जो विपरीत हालात में अपनी जान बचाकर भागने पर यकीन रखते हैं। देखते ही देखते ईगल इस खतरनाक लीजर से भिड़ जाता है और इसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। आप इस वीडियो में न सिर्फ ईगल और लीजर के बीच हुई खूनी संघर्ष के बारे में जानेंगे बल्कि आज आपको ये भी पता चलेगा कि ईगल कैसे अपने 10 खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल करके शेर का सामना करने की क्षमता भी रखता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हार्पी ईगल अटैक्स मंकी। दोस्तों अगर हम हार्पी ईगल की बात करें तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे सबसे खूनखार शिकारी मानते हैं। आमतौर पर इसका शिकार वो जानवर या परिंदे बनते हैं जिन्हें पेड़ पर रहना पसंद है। वीडियो में दिखने वाला ये जाबाज ईगल शिकार के लिए जिस इलाके में घूम रहा है वह बंदरों का है। पेड़ पर ढेर सारे बंदर मौजूद है और आज इनमें से किसी एक की मौत निश्चित है। ईगल ने निशाना साध लिया है। उसके निशाने पर यह बंदर है जिसकी निगाह भी ईगल पर पड़ चुकी है। यह बंदर यहाँ से खिसकने वाला था कि ईगल इस पर झपट पड़ता है। ईगल के गिरफ्त में आने के बाद बंदर सीधे इसके घोंसले में पहुंच जाता है जहां ईगल और इसके बच्चे इस बंदर को चीर फाड़ कर खाने के लिए बेताब है। ईगल अटैक सी स्नेक। ईगल की सबसे बड़ी ताकत उसकी आंखें होती है जिनकी मदद से वो अपने शिकार को 15,000 फीट की ऊंचाई से भी देख सकता है। यानी जमीन या पानी में जो कुछ भी होता है ईगल सब पर बारीक निगाह रखता है और यही वजह है कि समुद्री सांप भी इसे बच नहीं पाते। हालांकि समुद्री सांप खुद में बहुत खतरनाक माने जाते हैं। इनकी लंबाई 3 से 5 फीट तक होती है लेकिन ईगल के सामने इनकी एक नहीं चलती। ईगल बुलेट की तरह नीचे आता है और एक झपट्टे में ही सांप को उठाकर हवा में उड़ जाता है। सांप खुद को ईगल के खूनी पंजे से छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। ईगल एक बार जिसे पकड़ लेते हैं उसकी मौत लगभग तय हो जाती है। यही वजह है कि ईगल समुद्री सांप को पकड़कर अपने घोंसले में ले जाते हैं और यहाँ फिर अपने बच्चों के साथ शानदार दावत उड़ाते हैं। स्टेलर सी ईगल अटैक। स्टेलर सी ईगल की गिनती दुनिया के सबसे बड़े ईगल में होती है। ये आसमान में उड़ते हुए अपने शिकार को झपट लेता है। किटी वेक बर्ड आमतौर पर आसानी से ईगल का शिकार बन जाते हैं। ईगल की नजर जैसे इन पक्षियों पर पड़ती है वो अपने 6.5 फीट लंबे पंखों को हवा में फैलाकर शिकार को चपटने की प्लानिंग कर लेता है। ईगल पहले तो उड़ते हुए अटैक करने की पोजीशन को सेट करता है और इसके बाद जैसे ही मौका मिलता है वह किटी वर्ड बर्ड्स पर झपट पड़ता है। हालांकि किटी वर्ड बर्ड्स ईगल की इस साजिश को अच्छी तरह समझते हैं इसीलिए जैसे ही ईगल उनके करीब आने की कोशिश करता है वो सभी एक साथ हवा में उड़ जाते हैं ताकि ईगल ढेर सारे पक्षियों को एक साथ देखकर कंफ्यूज हो जाए। किटी बर्ड बर्ड कुछ देर के लिए अपने इस प्लानिंग में कामयाब भी हो जाते हैं लेकिन ईगल तो फिर ईगल है। वह इन पक्षियों की चालाकी समझ लेता है और फिर इसके बाद किसी एक पक्षी पर टारगेट कर उसे पकड़ लेता है। आप इस वीडियो में देखकर ईगल के शिकार करने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं। गोल्डन ईगल वर्सेस जैक रैबिट। दोस्तों गोल्डन ईगल अपनी प्रजाति के सबसे खतरनाक शिकारी माने जाते हैं। ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ते हुए अपने शिकार को दबोच लेते हैं। गोल्डन ईगल जैक रैबिट के मीठे गोश्त को बहुत पसंद करते हैं और जैसे ही इनकी निगाह किसी जैक रैबिट पर पड़ती है वो बेकरार हो जाते हैं। हालांकि जैक रैबिट भी करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हुए खुद को ईगल से बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद ही भागने और भगाने का खेल खत्म हो जाता है। ईगल अपने धारदार नाखूनों का इस्तेमाल करते हुए रैबिट को दबोच लेते हैं। मार्शल ईगल अटैक्स लिजर्ड। मार्शल ईगल आमतौर पर साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं और ये अपनी प्रजाति के सबसे बड़े ईगल भी माने जाते हैं। मार्शल ईगल की खास बात यह है कि अपने से 10 गुना बड़े और वजनी शिकार को भी नहीं छोड़ते। शायद यही वजह है कि इस वीडियो में दिखने वाले मार्शल ईगल ने एक विशालकाय लीजर को देखते ही देखते मार गिराया। अफ्रीकन लीजर की लंबाई करीब 8 फीट होती है जबकि मार्शल ईगल इसके सामने बहुत छोटा है लेकिन इसके बावजूद ये आसानी से ईगल का शिकार बन जाता है। एक पुरानी कहावत है कि साइज देखकर किसी के पावर को जज नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कैसे शिकारी ईगल ने लीजर को अपने पंजों में दबोच रखा है। यह लीजर को नोच नोच कर खा जाएगा। ईगल अटैक्स क्रेन। दोस्तों जब एक ईगल से बचना इतना मुश्किल होता है तो फिर उस वक्त क्या होगा जब दो ईगल एक साथ शिकार पर टूट पड़ेंगे। हवा में उड़ने वाले इन क्रेन पक्षियों को शायद इसका अंदाजा नहीं है। हालांकि क्रेन पक्षी खुद भी विशालकाय शरीर वाले होते हैं और ईगल के लिए यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वो एक बड़े क्रेन को हवा में अपना शिकार बना ले, इसीलिए वो क्रेन के बच्चों पर अटैक करते हैं। हालांकि ईगल्स को ऐसा करने के लिए पहले किसी छोटे क्रेन को उनके झुंड से अलग करना होगा। अरे ये क्या, ये ईगल तो मंजे हुए शिकारियों की तरह एक यंग क्रेन को उसके झुंड से अलग करने में कामयाब हो गए हैं। यह क्रेन पक्षी कुछ देर के बाद अब ईगल के पेट में चला जाएगा। ईगल अटैक माउंटेन बेबी गोट।
दोस्तों, शिकारी जानवरों के लिए ईगल से बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन भी है, फिर चाहे वो बकरी के बच्चे ही क्यों ना हो। हालांकि बकरियों के झुंड के बीच उनके बच्चों का शिकार कर पाना आसान नहीं होता, लेकिन ये शातिर ईगल शिकार करने की हर कला से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। आसमान में मंडराते ये ईगल पहले झुंड के सदस्यों के बीच अपना खौफ पैदा करते हैं, और जब बकरी के बच्चे डर की वजह से इधर उधर भागकर खुद को झुंड से अलग कर लेते हैं तो फिर आसानी से ईगल का शिकार बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यह ईगल कैसे एक बकरी के बच्चे को अपने पंजे में दबाकर आसमान में उड़ा चला जा रहा है। गोल्डन ईगल अटैक्स हेयर। दोस्तों, इसी तरह गोल्डन ईगल हेयर को भी अपना शिकार बनाने की क्षमता रखते हैं। आप इस वीडियो में हेयर को ईगल का शिकार बनते हुए देखेंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे गोल्डन ईगल हेयर को थोड़ी देर की मशक्कत के बाद आसानी से अपना शिकार बना लेता है। हेयर्स को पकड़ने के मामले में भी ईगल उसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जिसके तहत बकरी के बच्चों को पकड़ते हैं, यानी पहले हेयर को उनके झुंड से अलग करना, और जब वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उसे दबोच लेते हैं। यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि ईगल कैसे बकरी के बच्चे या हेयर का शिकार आसानी से कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईगल के नाखून इंसानी नाखूनों की तुलना में न सिर्फ 10 गुना बड़े होते हैं बल्कि इनकी ग्रिप भी बहुत मजबूत होती है। यही वजह है कि शिकार जब एक बार इनके नुकीले पंजों के बीच फंस जाते हैं तो फिर उनके बचने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। इसके अलावा ये अपने पंजों की मदद से करीब 750 PSI तक का फोर्स लगा सकते हैं, जो किसी भी जानवर को अधमरा करने के लिए काफी होता है। ईगल अटैक्स ईगल। दोस्तों, ये सब तो ठीक है, लेकिन उस वक्त क्या होगा जब एक शिकारी ईगल का मुकाबला दूसरे शिकारी ईगल से होगा, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। यहाँ एक ईगल समुद्र में एक मछली पकड़ने के लिए घूम रहा है, लेकिन इसे नहीं मालूम कि यहाँ पर पहले से ही दो ईगल और मौजूद है जिनका इस इलाके पर एक छत्र राज चलता है। ये दोनों ईगल इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि उनकी मौजूदगी में कोई दूसरा ईगल यहाँ भटके। यही वजह है कि यह अकेला ईगल जैसे ही मछली पकड़ कर जाने लगता है, यहाँ बैठे दोनों ईगल इसके पीछे लग जाते हैं। कुछ सेकंड के उड़ान के बाद ही इनमें से एक ईगल उस अकेले वाले ईगल पर झपट पड़ता है। फिर होती है दोनों के बीच एक भयानक और खूनी जंग। मछली को हासिल करने के लिए दोनों शिकारी ईगल बुरी तरह आपस में भिड़ जाते हैं। कुछ देर के बाद कमजोर पड़ चुके एक ईगल हार मानकर वहां से चला जाता है। ईगल अटैक लायन। दोस्तों, अब हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देने के लिए काफी है। इस वीडियो में ईगल की लड़ाई आसमान में उड़ने वाले किसी मासूम पक्षी से नहीं बल्कि जंगल के राजा शेर से होती है। शेर अगर जंगल का राजा है तो ईगल भी आसमानी दुनिया का बेताज बादशाह है, और जब दोनों जमीन पर भिड़ते हैं तो मुकाबला बराबरी का होता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इस ईगल ने शेर से पंगा ले लिया है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शेर इस पर हावी हो जाएगा। ईगल अपने नुकीले पंजे और चोंच का इस्तेमाल करके शेर पर एक के बाद एक वार करता है, और आखिर में शेर को पीछे हटना पड़ता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ईगल किसी से भी नहीं डरता, और जब उसे भूख लगती है तो फिर अपने से कई गुना बड़े जानवर पर भी कहर बनकर टूट पड़ता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, इसीलिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसा करने से आप हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस कर देंगे। ज्ञान टीवी का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, इसीलिए हम इस तरह के वीडियो लगातार बना रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, हमारी टीम को इससे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।